क्या? फाइनली तुम्हें होश आ गया, क्योंकि जब तुम होश खो बैठे थे तब तुमने क्या क्या कर दिया, क्या क्या बोल दिया, कितना बोल दिया उसका तो कोई आइडिया नहीं होगा। इतने टाइम से ना अर्जुन तुमने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। लिसन मिस्टर अर्जुन सूर्यवंशी, आज के बाद तुम ड्रिंक नहीं करोगे। जितनी आज ड्रिंक की ना उतनी नहीं करोगे, समझे? नो, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। मैं बताती हूँ ना क्या किया तुमने। I love Preeta, I love you Preeta, Preeta Preeta यही कर रहे थे तुम। What? मैंने उसे ये सब बोला? तुमने तो मेरे आने से पहले ही इतना बड़ा धमाका कर दिया। तुम्हें पता है तुमने क्या कहा प्रीता से? क्या कहा? कहा क्या? तुमने उसे प्रपोज कर दिया। तुमने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। My God! Shit! मैं कैसे कर सकता हूँ? So stupid यार, इतनी बचकानी हरकत कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि तुम हो stupid। तुम सिर्फ बाहर से angry young man type दिखते हो, अंदर से ना अभी भी तुम्हारे अंदर एक बच्चा रहता है। तुम्हें ड्रिंक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अर्जुन। अंजलि, ये जब मैंने उसे प्रपोज किया तो उसका रिएक्शन कैसा था? क्या कहा उसने? कुछ जवाब दिया होगा ना? उसने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। यही सुनना चाहते हो ना तुम? बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने तुम्हें पुश कर दिया। व्हाट? उसने मुझे पुश किया? वाह, एक्सीलेंट, सुपर्ब। देखा अंजलि, ये प्रीता ना, ये ऐसी ही है। ओ हेलो, तुम भी बिल्कुल ऐसे ही हो। तुम में और प्रीता में कोई फर्क नहीं है। पता है तुम्हें कैसे उसके सामने खड़े होकर प्रपोज कर रहे थे तुम? ऐसे लग रहा था जैसे कोई बेगर बेग कर रहा हो। गॉड यार, आई एम सो स्टूपिड। नहीं, मैं क्यों स्टूपिड हूं? स्टूपिड तुम हो, गलती तुम्हारी है। ठीक है, चलो मैं होश में नहीं था, तुम तो होश में थी। तुमने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इतना ड्रिंक करने कैसे दिया? जब मैं ड्रिंक कर रहा था तब तुम कहाँ थी? तुम्हें मुझे आके रोकना चाहिए था ना। एक सेकंड, इसका मतलब गलती तुम करो और तुम इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो? मुझे क्या पता था कि जब मैं तुम्हें उस रूम में ड्रॉप करके आई उसके बाद तुम यहाँ पर आ जाओगे? मुझे पता भी नहीं कि तुम कब इस रूम में आए, कैसे आए। ये अच्छा तरीका है बचने का? अच्छा चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अभी जो भी मैंने रायता फैलाया जाके ठीक करते हैं। चलो आ जाओ। एक सेकंड। क्या है? तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मैं प्रीता से पहले ही झूठ बोल चुकी हूँ। क्या बोला तुमने? मैंने उससे ये बोला कि जब भी तुम ड्रिंक करते हो तो कुछ ना कुछ तमाशा कर देते हो, और तुमने इससे पहले भी नशे में मुझे कई बार प्रपोज किया है। What? ये तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? अब वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? उसे लगेगा जब भी मैं शराब पीता हूँ तब मैं किसी ना किसी जाके प्रपोज कर देता हूँ। हाँ तो तुमने किया ना उसे प्रपोज? उससे अच्छा तो तुम मुझे प्रपोज कर देते, मैं तो तुम्हें पुश भी नहीं करती। और क्या पता मैं शायद खुश। देखो ये सब बकवास करके कुछ मतलब नहीं है। अब जो हो गया है ना सो हो गया है, अभी हमें उसे जाके ठीक करना पड़ेगा। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके इस सिचुएशन को संभालते हैं। ओके उसी के लिए तो रखा है ना तुमने मुझे। हाँ तो तुम्हें इसका इनाम मिलेगा ना, तुम्हें एक बड़ा सा थैंक यू कार्ड मिलेगा। चल। ओ पाजी क्या हो गया, तुम लोग ये पुतले बन के क्यों खड़े हो गए? कोई बारात का इंतजार कर रहे हो क्या? वो बारात ही तो नहीं आई। चलो मान लिया आज से तुम बॉस हो, मेरी बॉस की ड्यूटी तुम्हारी, अब तुम जो कहोगे वो हम करेंगे। क्यों भाई, करोगे ना? भाई हाँ बिल्कुल। पर अब ये बताओ तुम हो कौन, इधर पार्टी को बर्बाद करने क्यों आए हो? हाँ जेंटलमैन, मालूम तो पड़ना चाहिए ना, हाउ इज दैट? हाँ भाई बताओ बताओ कौन हो भाई? यार तुम लोग हल्ला मत बोलो, बता दो। मैं क्या बताऊं पाजी, वो ऋषभ लूथरा और मैं कुछ साल पहले हम बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। मैं उस ऋषभ लूथरा पे आंख बंद करके भरोसा करता था, और उसने क्या किया, धोखा दिया मुझे।
उस ऋषभ लूथरा की वजह से मुझे बिजनेस में करोड़ों का नुकसान हो गया। वैसे आपको देख के लगता तो नहीं है कि आप कभी करोड़ों के मालिक थे? तुझे देख के पक्का लगता कि तू एक रोज छाप मवाली है। तू क्या बोला, करोड़पति नहीं लगता मैं? ओए बस है, चुप चुप करो दोनों। तो शुरू किसने किया? तुम लोगों को जो जानना था मैंने बता दिया, अब चलो जो काम करना है वो करते हैं, चलो। बस एक मिनट, और वो अपना स्पेशल सामान तो निकाल जरा। ओ तेरी, ओ पाजी क्या बात है, क्या बात है। हाँ वो यार तुम लोग तो प्रोफेशनल निकले एकदम। आई लाइक प्रोफेशनल पीपल। वो ये वाली बंदूक मेरी है। तेरी बंदूक कहाँ है? तेरे पास तो थी ना बंदूक। तू ये चाकू से काम चला ले, तू यही चलाने लायक है। और ना कोई बंदूक बंदूक नहीं थी मेरे पास। बंदूक बनाया तुम सबको मैंने, भरा बंदूक है, पहले नहीं थी। और ये बंदूक मुझे चलानी भी आती है। जरा सोचो तुम लोग, बिना बंदूक के तुम सबके होश उड़ा दिए मैंने, तो बंदूक के साथ तो मैं, इसे कहते हैं माइंड, मास्टरमाइंड। हेलो, हाँ जी दसो जी। तुसी दसो? तुसी कौन? ना तुसी दसो पहले। वो पहले मैंने पूछा आपसे, अब बताओ। मैंने बोलनी पहले, तुसी दसो। बेटा जी तुसी कौन? अब आए ना लाइन पे, पहले पूछ लिया था प्यार से, पहले ही बता देती। मैं पंजाब से आई हूँ, सोनिया नाम है मेरा, लोग मुझे प्यार से सोना बुलाते हैं। अरे वाह सोना बेटा, मुझे मेरा नाम दलजीत और प्यार से लोग मुझे दलेर बुलाते हैं। अच्छा बेटा आप यहाँ क्यों आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मेरी कजन काव्या को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। अब ये काव्या कौन है? बुद्धू अंकल आपको इतना भी नहीं पता? काव्या ऋषभ भैया और प्रीता दी की बेटी है। पता नहीं कहाँ चली गई काव्या। ए बुद्धू बेटा, वो ऋषभ और प्रीता की बेटी नहीं है, वो ऋषभ के छोटे भाई और प्रीता की बेटी है। ए आ जाओ यार। नया बॉस बोला कि वो बच्ची ऋषभ के छोटे भाई की है। ऋषभ का छोटे भाई तो मतलब बोले तो अर्जुन, और कहा तो वो बच्ची अर्जुन की है। ऐसे कैसे विष्णु, उस बच्ची का बाप अर्जुन सूर्यवंशी कैसे हो सकता है? कुछ भी। तुम लोग यहाँ बहने बन के चुगलियां करने आई हो क्या? जो काम करने आए हो वो करो, चलो। विष्णु मेरे दिमाग की बत्ती अब जल। बत्ती? हाँ। उगा? कैसी बत्ती? अगर ये ऋषभ और अर्जुन दोनों भाई भाई हैं, तो इनका सरनेम अलग अलग क्यों है? वो अपन को नहीं पता, अपन को बस इतना पता है कि अर्जुन सूर्यवंशी ने बोला था कि ऋषभ उसका भाई है, बस। अब मुझे दिमाग में ज्यादा जोर नहीं रहा है। पूछूंगा, दोनों की कनपट्टी पर बंदूक लगाकर सबसे पहले यही सवाल का जवाब पूछूंगा। यहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, क्या बात है? आप पहले ना उस चीज का जो बोझ है उसको दिमाग से उतारिए और उसको साइड पे कर दीजिए। जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट, मैं यहीं पर हूँ और मुझे बताइए कि क्या हुआ। मुझे मालूम है आप कुछ बताना चाहती हैं मुझे और आप नहीं बता पा रही, कोई ना कोई आता है और आपको डिस्टर्ब कर देता है। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जब तक आप बात अपनी कम्प्लीट नहीं कर देंगे मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। बताइए काव्या को लेके परेशान है? काव्या को? काव्या तो ठीक है, वो एक्चुअली ये जो अर्जुन, तुम्हें लगता है क्या कि प्रीता ने ऋषभ को सब कुछ बता दिया होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जाके बता रहा हूँ। सोच लो। मैं वही इतनी देर से सोच रहा था कि तुम कहाँ गायब हो गए। बोलो क्या?
वो एक्चुअली मैं मेरा आने वाला कल मेरे सामने आ गया। उसी में बिजी हो गया था। यही सोच रही हूँ ना कि मैं ये क्या बोल गया। एक्चुअली हुआ क्या, तुम्हारी पार्टी इतनी अमेजिंग है कि मैंने तुम्हारी पार्टी में थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर लिया और ड्रिंक करने के बाद मुझे पता नहीं मैं कहाँ चला गया। शायद किसी कमरे में घुसा और जब मैं वहां पे गया तब मैंने वहां प्रीता को देखा। ऑब्वियसली इंटेंशनली मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब मैं वहां पे गया। व्हाट्स द मैटर विद यू? तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? रिलैक्स, कम ऑन, रिलैक्स, इट्स फाइन। तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? घर में पार्टी चल रही है और तुम सब लोग यहाँ किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो। ऐसी कौन सी अर्जेंट बात है जो यहाँ खड़े रह के डिस्कस कर रहे हो, मुझे भी बताओ। नहीं, वो बस वो इट्स ओके, ऐसे ही कुछ। केक कटिंग का टाइम हो गया। हाँ चले बेटा, तुम भी चलो। हाँ अरे कम, जॉइन अस, कम 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 कम। आइए बेटा जी। हाँ जी वाह, ऐसा लग रहा है जैसे खुशियों की बारात जा रही है, पर अफसोस ये बारात ना खुशियों के ढोल नगाड़े नहीं बचा पाएगी, क्योंकि इन सब की बैंड बजाने स्वयं पृथ्वी जी यहाँ आए। अरे अरे बॉस, अपने नए बॉस को अंदर कौन खींच के लिए? देखो उधर जा, देखो चलो। ओए मेरी बात सुन। ओए कौन है तू, क्यों है तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई, होता कौन है तू मुझे इस तरह से यहाँ खींच के लाने वाला? होता नहीं, होती, तुम्हारी बीवी हूँ। ओ तेरी, तुम तो बेबी हो, यहाँ कब, क्यों, कैसे? तुम भी सरदार जी, मैं भी सरदार जी, हम दोनों मिल गए। बोलो तारा रारा। कौन है तू? ठीक, क्या चल रहा है? तुम इधर आओ और तुम लोग गन नीचे करो। अरे मेरी बंदी है, सबकी साड़ी बोटी बीवी, तुम लोगों की परजाई जी। चलो सब लोग करो। अरे बॉस, काहे को झूठ बोलते हो, ये बीवी मटेरियल तो कहीं से नहीं लग रही, आप इसके डर के वजह से झूठ बोल रहे हो ना। अरे कौन हो तुम खुद बता दो। खूबसूरत हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमें, मेरा मतलब है हमारे बॉस को परेशान करोगी। ए चल परे हट, इसको समझाओ ना। बोला ना मैंने एक बार कि साड़ी वोटी है बीवी। मैं नहीं मानता, इतनी खूबसूरत और नाच नखरे वाली लड़की तुम्हारी पत्नी हो ही नहीं सकती। मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। पृथ्वी यहाँ सब क्या चल रहा है? एक मिनट रुक जाओ। चल ना परे हट ना, क्यों पका रहा है? बोला ना मेरी बीवी है। यार तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, तुम इसकी पत्नी नहीं हो, ये बिल्कुल साफ है। ए तूने बंटी को थप्पड़ मारा, यकीन हो गया? अरे 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 रेंद्र रेंद्र, मैं मान गया कि तुम इसकी पत्नी हो, मानना पड़ेगा, बहुत स्मार्ट हो तो। मान गया, तू भी मान गया ना? इतनी बकवास बंद करो, यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम बताओ क्या चल रहा है, तुमने तो कमाल कर दिया यार, सबको डराया, धमकाया, एक को मारा, एक को गिराया, सब कहाँ से सीखा तुमने बेबी? इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मुझे पता है कि कहाँ किसके साथ कैसे बिहेव करना है। अरे तुम बताओ कि तुम यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, क्यों आए हो लूथरा हाउस में? आज उस ऋषभ और प्रीता की सालगिरह है और मैं आज ही के दिन उनके सालगिरह वाले दिन उन्हें गिराने आया हूं। प्रीता जी, पार्टी में तापसी बनवा रही है, इनफैक्ट उनकी टीम का ही कॉल आ रहा है, मैं जरा लेके आपको मिलता हूँ। बता दे इश्क खुदा तो फिर है जुदा क्यों, इतना बता।
का तेरा दिखा दे रेत बना दे के ये गम की शाम ढले आ जा ले ना जा ले थैंक्स फॉर द हेल्प इट्स ओके वैसे मैंने थैंक्स नहीं सॉरी एक्सपेक्ट किया था लेकिन वो तुम बोलोगे नहीं क्योंकि इस वक्त तुम बहुत नशे में कभी तो तुम्हारे पैर डगमगा रहे हैं सर चकरा रहा है लेकिन एक बार तुम्हारा नशा उतर जाएगा ना तो मिस्टर अर्जुन सूर्यवंशी तुम्हें मैं बताऊंगी कि तुमने किया क्या है क्या मैंने तुम्हें प्रपोज किया था मुझसे शादी कर लो यही कहा था क्या मैंने अगर यही कहा तो प्लीज डोंट माइंड वो क्या है ना जब भी मैं नशे में आता हूं तो अक्सर ऐसी लड़कियों को प्रपोज कर देता हूं जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है जो मेरे टाइप की नहीं होती है पर तुम मेरी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो क्योंकि क्या ना एक बार तो मैंने गलती से मेरी कुक को भी प्रपोज कर दिया था सो तुम्हें सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरी टाइप की नहीं हो एक्चुअली मैंने गलत वर्ड का इस्तेमाल कर लिया मुझे ये कहना चाहिए था कि तुम यू आर नॉट माई काइंड अब तुम पूछोगी कि काइंड और टाइप में क्या फर्क है बहुत फर्क है काइंड और टाइप में क्या फर्क है टाइप का मतलब तुम मेरे तरह स्टाइलिश नहीं नॉट माई काइंड मीन्स तुम्हारे दिल में पाप है गुनाह है खून है तुम्हारे दिल में एक खूनी है एक बार ये पार्टी खत्म हो जाए उसके बाद लूथराज की किसी पार्टी में कभी इसे इनवाइट नहीं करूंगी टाइप काइंड पृथ्वी वो सब ठीक है लेकिन ये लोग कौन है ये लोग जी मैं बंटी हाँ मोंटी मोंटी नहीं बंटी मैं तुम्हें मोंटी बुलाऊंगी तुम्हें कोई तकलीफ है जी नहीं कौन हूँ मैं बॉस और ये कौन है बॉस की बीवी तो बॉस की बीवी जो बोलेगी वो सुनना पड़ेगा अगर ये बोलती है मोंटी तो तू मोंटी कौन मोंटी तुम कब से बॉस बन गए फीलिंग्स है सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे होने से उम्मीद नहीं होता फील करने से होता है ये जो फीलिंग होती है ना ये सबसे बड़ी चीज होती है अगर आप यूं फील करो कि आप अमीर हो तो आप दुनिया में सबसे अमीर हो अगर आप यूं फील करो कि आप राजा हो तो आप बन गए राजा और फिलहाल मैं ये फील कर रहा हूं कि मैं इन सबका बादशाह बकवास बंद करो तुमने कहा कि तुम यहां पर इसलिए आए क्योंकि आज ऋषभ और प्रीता की एनिवर्सरी है और देखो ऋषभ और प्रीता की एनिवर्सरी है इसीलिए तो आया हूँ उनकी एनिवर्सरी पार्टी सालगिरह पार्टी की धज्जियां उड़ाने उनकी बैंड बजाने आज ही के दिन उन दोनों की शादी हुई थी और हम दोनों बर्बाद हुए थे आज ही के दिन लूथरा परिवार बहुत खुश था और हम तकलीफ में थे तो मैंने सोचा आज ही के दिन लूथरा परिवार ऋषभ प्रीता सबको तकलीफ देते हैं सबकी बैंड बजाते हैं सबकी धज्जियां उड़ाते हैं बस प्रोफेशनल से मुलाकात हुई इनका भी वही मकसद है ऋषभ प्रीता की पार्टी की धज्जियां उड़ाना उन सब की बैंड बजाना तो बस मैंने इन सब के साथ हाथ मिलाया और एक जबरदस्त प्लान बनाया तो बस इसी तरह हमने एक टीम बनाई और इस टीम का बॉस मैं बन गया हमने सोचा मिलके ऋषभ और प्रीता की पार्टी की धज्जियां उड़ाते हैं सबकी बैंड बजाते और उसके बाद लूथराज का जितना भी पैसा है और जितने भी गहने जेवर सब कुछ उड़ा ले जाएंगे शैलिन मैम आप यहाँ क्या किया तुमने अगर भर गया तो कोई नहीं मरा नहीं है बस बेहोश हो गया है कमाल है मेरे बिना बोले
समझ गया कि उसके साथ करना क्या है? वेरी प्रोफेशनल हा? बोला था ना ये सारे बहुत प्रोफेशनल है। मोहन अंकल, मोहन अंकल, मैं आ गई। आप लोग कौन हो? आप मोहन अंकल को ढूंढ रहे हो? यहाँ पे मोहन अंकल नहीं है। आप कौन? आई एम दी कागलूचा। अब ये काव्या कौन है? बुद्धू अंकल, आपको इतना भी नहीं पता? काव्या ऋषभ भैया और प्रीता दी की बेटी है। सोना दीदी, यहाँ पर मोहन अंकल नहीं मिल रहे। मोहन अंकल वो पक्का किचन में होंगे, ढूंढते हैं आज उन। पता है वो बच्ची कौन थी? कौन? करण और प्रीता की बेटी। काव्या लूथरा।